I think in IPL history, there are a couple of teams that we all wanted to beat, and I think CSK is one of that. It's not doesn't matter whether they are in the form, they are at the top or they are in the bottom. Well, I think आप जैसे जानते हो कि कोई भी लीग में डबल डिजिट में आना मीन्स 10 पॉइंट्स होना मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो आपके टीम में क्षमता होनी चाहिए कि 10 पॉइंट लेने की, और वो अपने डीसी टीम में वो क्षमता है. यस हमारे पास चैलेंजेस थे, हमारी जब टीम स्टार्ट की थी हमारी जो ऑक्शन टेबल की टीम थी वो अवेलेबल नहीं थी, हमारे प्लेयर्स लेट आए. उसके बाद सबसे कोई भी टीम में नहीं हुआ 10 टीम में, मगर हमारे को चैलेंज था कि डीसी की टीम में कोविड के केसेस हुए, वो एक प्रेशर था. आप सब जानते हैं कि हमारे लिए पंजाब का मैच कितना अहम था, और जब प्लेयर ने उसको जो किया मुझे लगता है सारी दुनिया ने देखा कि हमारे प्लेयर्स ने 45 मिनट्स बिफोर हम ग्राउंड पे गए, अब कोई सब इनसिक्योरिटीज थी, कोई पता नहीं था मैच होने वाला था, बट जो परफॉर्मेंस किया वो मुझे लगता है कि वो सबसे टूर्नामेंट की इंपॉर्टेंट मैच हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि हमने उसमें स्ट्राइक रेट हमारा रन रेट जो था वो बहुत इंप्रूव किया था. और हम अब देख रहे हैं कि हमने जैसे देखा कि ये एक बड़ी टूर्नामेंट है, एवरी मैच इज़ इम्पॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि काफ़ी आगे देखने की ज़रूरत नहीं है. मुझे लगता है कि अभी हम गेम नंबर 11 जो डीसी का है उस पर फोकस कर रहे हैं. हमें 10 गेम नंबर 10 पे भी चैलेंजेस थे, हमारे कोई कोर प्लेयर थे जो इंजरीज थे, कोई बीमार थे, तो उसके वजह से हमारा देखा जाएगा तो पूरी टीम नहीं थी, बट हमारा जो परफॉर्मेंस था एक मुझे लगता है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था. जब आप 200 के ऊपर रन 3 विकेट से करते हो तब अभी लगती है कि हमारे बैटिंग यूनिट में दम है. मुझे लगता है कि हमारा बेसिक वरी तो हमारी यही थी कि हमारे बैट्समैन अच्छे बैटिंग कर रहे थे बट कोई बढ़िया इनिंग नहीं कर रहा था, और हमें वो देखने को मिला कि डेविड वार्नर ने 92 खेला और पूरे 20 ओवर खेला. मुझे लगता है वो सबसे बड़ी बात थी. हम चाहते थे कि हमारे एक अच्छा फिनिशर हो जो हमें रोमन पावल के रूप में मिला है, कि जिस तरह से एक लास्ट मैच की बात नहीं कर रहा हूँ कि लास्ट 2-3 मैचेस ऐसा नहीं था कि हर टाइम वो सक्सेसफुल था, बट उसका अटेम्प्ट जो था वो सामने वाली टीम पर दबाव डाल रहा है कि ये बंदा कुछ कर सकता है, ये एक ओवर में भी मैच घुमा सकता है. और ये हमें जो चाहते थे, हम जो हम कहते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर, हम जो कहते हैं कि फिनिशर, वो रूप में हम उसे देख रहे हैं. मुझे लगता है कि हमें खलील की काफ़ी तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था हमारा. जैसे हम सब जानते थे कि हमसे सब हमारा एस बॉलर कौन था तो नोकिया था, और वो इंजर्ड था, वो पहले मैच परफॉर्म नहीं कर रहा था, और लास्ट मैच की एक सबसे अहम वो भी बात थी कि हमारा नोकिया जो फॉर्म में चाहते थे हमारा पूरा कोचिंग ग्रुप कि वो जो लय से बॉल डाले वो उसको उसे वो लय आ रही है. केन विलियमसन का विकेट बहुत अहम था और वो नोकिया ने पावर प्ले में निकाल के दिया. मुझे लगता है वहाँ पर मैच सेट हो गया. यस मैच इंटरेस्टिंग हुआ, जो आईपीएल में हम सब जानते हैं कि लास्ट बॉल तक ये मैच ओवर नहीं होता है, बट हमने देखा कि लास्ट 4 बॉल के तब हम मैच जीत चुके थे. जी हाँ, क्योंकि ये मुझे लगता है कि कोई भी चैंपियन टीम का प्रोसेस होता है कि आप काफ़ी बहुत आगे बढ़ा. यस बड़ा गोल तो है, हम सब चाहते हैं कि दिल्ली को ये साल आईपीएल ट्रॉफी मिले, बट वो ट्रॉफी मिलने के लिए जो प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक मैच का सोचें. जैसे कि हम चाहते हैं कि सीएसके के मैच वो कहाँ पे है, डीवाई पाटिल पे है, कि वो विकेट ऐसी नहीं है कि जैसे वानखेड़े या सीसी है जैसे वहाँ पे 200 रन हो सकते हैं, 200 रन चेस, वहाँ पे 170-180 बड़ा स्कोर है, वो कैसे हम करेंगे. हमारा टॉस भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि डीवाई पाटिल में भी ड्यू फैक्टर है, तो मुझे लगता है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे कि हमारी भी जो स्ट्रेंथ है वो स्पिनर्स की है, उन्हें के लिए चैलेंज रहेगा कि ड्यू में बॉल डालना. बट एक एडवांटेज वो भी हो सकता है क्योंकि डीवाई पाटिल की बाउंड्रीज बड़ी है, तो मुझे लगता है एक एडवांटेज हमारे टीम को हो सकता है. हमारे पास अच्छे स्पिनर्स है, अब सब जानते हैं कि कुलदीप जो फॉर्म में है, सेकेंड हाइस्ट विकेट टेकर है ये साल, उसका करियर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है आज तक, उसका 17 विकेट था, वो उसने खुद का रिकॉर्ड उसने ब्रेक किया है, तो मुझे लगता है ये एक अच्छी बात है. काफ़ी पॉजिटिव हो रहे, आप भी देख रहे हो कि टीम में अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, और मुझे लगता है हमारा कोचिंग ग्रुप का भी इंपॉर्टेंट रोल है कि जो भी प्रैक्टिस सेशंस है हमें वो इंटेंसिटी मेंटेन रखनी है, वहाँ पे कहाँ ड्रॉप नहीं होनी है. आई थिंक इन आईपीएल हिस्ट्री देर आर कपल ऑफ टीम्स दैट वी ऑल वॉन्टेड टू बीट, एंड आई थिंक सीएसके इज़ वन ऑफ दैट. इट्स नॉट डजेंट मैटर वेदर दे आर इन द फॉर्म, दे आर ऑन द टॉप और दे आर इन द बॉटम, फॉर इज लाइक अ सीएसके एज अ अपोनेंट एवरीबडी लाइक्स टू गो बिकॉज दे सेट द हाई स्टैंडर्ड फॉर देम सेल्फ, सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज प्लेइंग अगेंस्ट सीएसके इज देयर फैन, यू नो वी नो लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड वी गो, वी आई एम द वर्ल्ड इन दैट सिंग, बिकॉज लास्ट ईयर वी एक्सपीरियंस दैट इन दुबई ऑल्सो, लाइक entire stadium was yellow and we are expecting that also Divya Patil, but I think that's the thrill, I think that's the beauty of the IPL also. You go there, your 11 players are fighting out against entire stadium.